है गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज का आप टेम्परेचर या एनवायरनमेंट या आसपास का जो माहौल है वो देख सकते हो। कल रात में बहुत अच्छा पानी गिरा और उस वजह से टेम्परेचर भी डाउन हो गया है और सोयाबीन को जो ज़रूरत थी वो भी लगभग पूरी हो गई है। इस समय पानी की बहुत आवश्यकता थी और जैसे हमने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि टेम्परेचर बहुत हाई है और सोयाबीन को ज़रूरत होती थी पानी की, क्योंकि लंबा समय हो गया था, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया था पानी गिर नहीं रहा था। कहीं ना कहीं जो ये जो स्टेज थी वो फ्लोरिंग की स्टेज थी, मतलब कि इसके बाद डायरेक्ट फली बनती और फली के बाद दाना बनता, तो इस स्टेज में वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो कल भगवान ने या गॉड ने सुन ली और बारिश हो गई, तो इससे जो किसान हैं वो भी खुश हैं। और आप देख ही सकते हो कि आज का टेम्परेचर, मतलब चारों तरफ हरियाली ही छा रही है और सब कुछ नॉर्मल है, जो कि एक किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस यही था कुछ जानकारी आपको। तो हम सोच रहे हैं कि हर रोज़ एक ब्लॉग बनाया जाए जो हमारे डेली रूटीन का हो, और आगे चलकर फिर इसको हम बड़ा भी करेंगे, मतलब नई जगह पर जब हम विज़िट करेंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे तो उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, और चैनल पर नए हैं वो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।